हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 777 टैरो विथ रूही। सो गाइस, आज हम एक पीका कार्ड रीडिंग करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्या वो वापस आएंगे या नहीं। सो इसके लिए मैंने आपके सामने थ्री पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए, ये पिंक फ्लावर खूबसूरत सा, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद ये ब्लू, उसके बाद है ये, ठीक है ना। सो ये तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल आप चुन लीजिए जो आपको खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सो आप वो पाइल को चुन लो, ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जा करके आप चेक कर लेना। और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। सो वैसे ही आप लोग लें जनरल रीडिंग। और इसमें हम आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखेंगे, ये मैंने कुछ मैसेज बनाए हैं खुद से। सो ये इसमें से हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे, आपके पार्टनर आपके के लिए क्या कहना चाहते हैं वापस आएंगे तो, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेंगे, ठीक है। ईश्वर भगवान अल्लाह आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और गाइस, जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। और गाइस, ये पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है। सो ये भी आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। सो चलिए गाइस, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो हेलो पाइल नंबर 1, चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। इस यूनिवर्स का जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। इस यूनिवर्स प्लीज, इस यूनिवर्स का प्लीज। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। प्लीज यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 प्लीज। चलिए हम अपने कार्ड्स को निकालते हैं। सो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, वापस तो आने वाले हैं क्योंकि इतना अच्छा कार्ड जो आया है बॉटम ऑफ द डेक, क्लियरली पता चल रहा है कि वापस आने वाले हैं। उनको भी बेचैनी है, रहा नहीं जा रहा है उनसे, एकदम मन बना लिया है उन्होंने कि हाँ अब मुझे जाना है, मुझे कांटेक्ट करना है उनको, ठीक है ना। चलिए हम कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। सो गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है ना, आपके पार्टनर अभी अपने फाइनेंस पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं साइन बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, ठीक है। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, और
फायर साइन भी है यहाँ पे। सो फायर साइन में है एरिस, लियो, सैज, तो इसमें से आपके पार्टनर की कोई भी साइन हो सकती है, ठीक है। सो काफी अच्छी, एकदम बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी। अपने फाइनेंस को लेकर के उन्हें काफी टेंशन है, काफी लग रहा है कि कैसे ठीक करूं, क्या करूं। मेहनत कर रहे हैं काफी, अपने कैरियर को भी सही करना है उन्हें, पैसे इकट्ठा करना है, स्टेबल होना है, फिर जाके वो आपके पास आना चाहते हैं। प्यार बहुत ज्यादा है उन्हें आपसे, डीप कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे डीप कनेक्शन दिख रहा है। जब भी अकेले बैठते होंगे आप ही की याद उन्हें सताती होगी, जब भी बेड पे जाते होंगे ना आपकी याद उन्हें आती होगी, बहुत बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखकर ही कहा, बॉटम ऑफ द डेक देख के ही मैं सब बता देती हूँ। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, वही मुझे कार्ड देख करके ही पता चल गया कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आने वाली है अब। अपने फाइनेंस को लेकर काफी वो टेंशन में है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें कैसे सही करना है अपना फाइनेंस, कैसे स्टेबल होना है, तो उन उस चीजों को ना वो बैलेंस करना चाहते हैं, अभी बैलेंस कर रहे हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में भी है ना, तो कोई ये मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएंगे। सो मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए वो दिख रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, आएंगे जल्द ही आएंगे वो। एज गैप भी मुझे आप दोनों में लग रहा है थोड़े से, मुझे लगता है कि वो उम्र में छोटे होंगे आपसे या फिर आप। सो एज गैप मुझे यहाँ लग रहा है, थोड़ा सा बचकाना हरकत भी होगा उनका, बचकानी हरकतें, मेच्योर पर्सन नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ना रुठ जाते होंगे, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है उनकी। सो मैच्योर नहीं है वो, और काफी मिस भी करते हैं आपको, आपकी याद उन्हें बहुत ही आती है। सो बैलेंस उनको बनाना है, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, स्टेबल होना है, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जैसे ही ना वो रंग लाएगी ना, वो आपके पास आएंगे, नाइट ऑफ कप्स, वो वापस आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, क्या वो वापस आएंगे? सो जी हाँ, वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि वो वापस आएंगे, और क्विकली, एकदम जल्द ही आने वाले हैं। मैंने बॉटम ऑफ द डेक देख करके भी बताया कि वो जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं, जल्द ही आने वाले हैं आपसे मिलने, आपको ऑफर करने, अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने, ठीक है। सो आपको वो ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, ठीक है, अपने रिलेशनशिप, एक बैलेंस चाहते हैं आप दोनों में ना, काफ़ी क्लियरिटी आएगी आप लोगों की रिलेशनशिप में। अब ये जो आएंगे ना आपके पास, डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस का क्योंकि मुझे कार्ड दिखा रहा है, सो मैं डिस्टेंस पे ही बोलूँगी, खुद से नहीं बता रही हूँ कि डिस्टेंस पे हैं, मुझे कार्ड इंडिकेट करते हैं तभी मैं बताती हूँ। सो डिस्टेंस यहाँ मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे, हो सकता है कि अगस्त में ही आ जाए आपके पार्टनर और आपको प्रपोज करे, शादी भी होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोग बहुत बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं ना अपने पार्टनर का कि कब वो वापस आ जाए। काफी आप भी उन्हें, आपकी तरफ से भी उतना ही गहरा है उनके प्रति जो फीलिंग्स है ना, आपके अंदर भी वही है जितनी उनके अंदर है। सो दोनों में ही इक्वल है। आपके पास आपके पार्टनर आना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, सब बताना चाहते हैं आपको, क्या किया उन्होंने, किस तरह किया, क्यों नहीं बातें कर रहे थे, ठीक है। सो आने वाले हैं आपके पार्टनर, और ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, डिवाइन टाइमिंग अब पूरी होने वाली है, ये भी मैं बता दूं। अगस्त, मुझे लगता है अगस्त लास्ट तक कांटेक्ट
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कर देंगे अगस्त तक, लास्ट अगस्त, ठीक है ना? काफी अच्छी एनर्जी आई है, सब चीज सही होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, शादी के लिए प्रपोज करेंगे, अपने रिलेशनशिप को एक नए स्टेप पे ले जाने की कोशिश करेंगे। वो हर चीज चाहेंगे कि सही सही हो, उनको अब कोई गलती नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है, अकेले नहीं जाना है, आपका साथ उन्हें चाहिए, ठीक है? सो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमारा टॉपिक आज का, आपकी तरफ बढ़ते हुए। मुझे यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है। चलिए हम इन कार्ड से भी देख लेते हैं एनर्जीज। फीलिंग्स देखते हैं दोनों के लिए क्या है, आपकी और उनकी। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज। नया ऑफर, वाह, मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का कार्ड जो है ना बहुत अच्छा आया है, एस ऑफ वैंड। क्लियरली एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ आएंगे, आपको ऑफर करेंगे। एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है, एक बैलेंस बनते हुए दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट सब बनते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी कार्ड मुझे वही हार्मनी ही दिखाता है। सो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? किसी वजह से अलग हैं, सो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? सो बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, देखिए मैंने कहा ना, आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं और जस्टिस का कार्ड है, यानी कि आप पहले से इंतजार कर रहे थे, बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, जितने दिन से भी इंतजार कर रहे थे ना, अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने वाले हैं, और जो मैरिड है ना उनके लिए तो और अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी। आने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। सो चलिए मैं इन कार्ड्स को देख के बताती हूँ क्या एनर्जीज हैं। द हर्मिट के, द डेविल के, द डेविल का कार्ड है, उसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए सब होने वाला है, टेंशन ना लीजिए, जो भी निगेटिविटी थी ना वो सब खत्म होने वाली है। काफी अट्रैक्शन भी फील हो रहा है आपके पार्टनर को आपके लिए, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी आप लोग के रिलेशनशिप से बहुत जल्द, एकदम होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे, काफी डीप थिंकिंग चल रही है उनकी, लेकिन वो एक्शन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं विद इन 1 month, ठीक है? अगस्त तक मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको मैसेज, कॉल, कैसे भी कांटेक्ट करेंगे, आपके पास वो आएंगे। आपको मैसेज का इंतजार था तो मैसेज आ सकता है उनका, ईमेल, ये व्हाट्सएप, ठीक है ना? चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है। सो पहला मैसेज है मैजिक, मैजिक होने वाला है कुछ, फ्लाइट। सो आपके पार्टनर हो सकता है कि दूसरी कंट्री में रहने वाले हो, या फिर इसी इंडिया में ही रहने वाले हो, या आप जहाँ के हो वहाँ के रहने वाले हो ना, सो वहाँ के आपके पार्टनर ना आने वाले हैं आपसे मिलने। फ्लाइट का कार्ड आया है, समझिए वो आ रहे हैं, फ्लाइट, मैजिक, कुछ मैजिक होने वाला है, ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर आपको लग रहा हो कि नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, और अचानक से ही आके आपके सामने खड़े हो जाएं। सो ये मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है? मैजिक होने वाला है कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए।
क्या मैसेजेस हैं, बस इतना ही रहने देती हूँ। चलिए हम देखते हैं मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ। संभाल के रखिए उनका दिल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सॉन्ग है ना, वही आपके लिए वो गुनगुनाते होंगे। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। के परवाह नहीं तू चाहे मुझे दीवानों की तरह, एक मुस्कान ही काफ़ी है तेरी मेरे जीने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत सा वो क्या बोलते हैं शायरी थॉट। यू ऑसम मी लकी। उसके बाद है सोलमेट। ओहो सोलमेट, आप लोग हो सकते हैं कि सोलमेट हो। किन्ना सेन किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ये सॉन्ग वो आपके लिए गाते होंगे आपकी पिक्स को देख करके, आपको देख करके। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये जो है ना सॉन्ग वो गाते होंगे अक्सर। विशिंग यू वेयर हेयर विथ मी राइट नाउ, दूर तक न जाने थे। आई मिस यू, ओके आई मिस यू। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आप हर जगह उन्हें दिखाई देती हैं, जादू जादू जादू। सो ये रही पाइल वन की रीडिंग, जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, जिनके बारे में आप सोच रही हैं वो वापस आएंगे या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी गाइस। जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और अगर आप में आपने मेरे न्यू चैनल पर विज़िट नहीं किया है तो उसे भी विज़िट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आप वहां जा कर के उस चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इनवर्स गाइड मी पाइल नंबर टू। गाइस मैं पाइल इधर उधर बोल देती हूँ तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, ओके काफी केयरिंग नेचर आपका या आपके पार्टनर का। बैलेंस, पहले फैमिली की खुशियां उसके बाद आपकी खुशियां। काफी दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाली ऐसी होगी आपकी एनर्जी, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो आप उनसे प्रेम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा डीप लव। और अगर आपकी शादी हो चुकी है ना तो आप बहुत ही अच्छी मदर हैं या बन सकती हैं। अभी अगर आपके बच्चे नहीं है ना तो मुझे लगता है आपके पार्टनर वापस आएंगे ना तो आपको पहली खुशी वही मिलने वाली है बच्चे के हवाले से, ठीक है। चलिए मैंने कार्ड्स पहले देख लेती हूँ। ओके फाइव ऑफ वैंड्स, ओ टेन ऑफ कप्स, ओके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स, ओके एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइनली एट ऑफ वैंड्स।
सो मैं कार्ड्स को सीक्वेंस में लगा देती हूँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए ही दूर तक सो पाइल नंबर टू, आपके पार्टनर की पहले मैं साइन बता देती हूँ, क्या साइंस हैं उन लोगों की, आपके पार्टनर की साइन क्या होगी। सो यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है। सो फायर साइन में एरीज, लियो, सैज, और एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन नहीं है तो मैं अर्थ साइन नहीं बोलूँगी। तो काफी लड़ाई झगड़े हुए आप लोगों में, फैमिली इश्यूज हो सकता है कि उनकी फैमिली की वजह से ये झगड़े हुए हों आप लोगों में, और अभी आप लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में चल रहे हो, इस वजह से फैमिली मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, उनकी या आपकी, दोनों में से किसी की फैमिली इन्वॉल्व थी, किसी तीसरे की वजह से आप लोगों में लड़ाई हुई है, ठीक है, जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर अभी ना काफी सैड मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एनर्जी ना उनकी काफी लो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है उनकी, खुद को बंधा हुआ, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ अपनी सैडनेस, निगेटिविटी यही दिख रही है, काफी सैड, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि हाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है उनको, बस अभी शांत अकेला रहना चाहते हैं आपके पार्टनर अभी जो है ना, उनकी फीलिंग यही है, काफी काफी स्ट्रेस फील्ड, काफी डिसअपॉइंट, ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। सो उनकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है, किसी वजह से काफी सैड हैं इस लड़ाई की वजह से, मेन तो यही है लड़ाई, जो भी है ना आप लोगों के बीच में जो ये लड़ाई हुई है ना, इस वजह से आपके पार्टनर का ये जो है ना सीन मुझे दिख रहा है, ये हाल हुआ है उनका, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कैसे निकलना है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलूं, इस टाइप की उनकी एनर्जी दिख रही है मुझे, जबकि उन्हें सिर्फ आगे देख रहे हैं, पीछे तो मुड़ के देखो, नहीं पीछे नहीं देखना है अभी, अभी सिर्फ आगे देखना है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जिस वजह से वो काफी सैड है, ठीक है। आप या आपके पार्टनर थोड़े ईगो वाले हो सकते हैं, ईगो आप लोगों में होगा, अच्छी पोजीशन भी मुझे यहाँ दिख रही है, दोनों ही अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी अच्छे पोजीशन पे आपके पार्टनर हैं या आप हैं मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप टीचर हो, आपके पार्टनर टीचर हो, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेना, बैलेंस बना लेना, ऐसी है एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की, लेकिन जो आपके पार्टनर की अभी जो एनर्जी है ना, अभी तो यही मुझे दिख रही है, उन्हें पता है कैसे सब होगा, लेकिन अभी वो उस हालत में नहीं है कि अपना दिमाग चला सकें, तो उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल कर ना उन्हें समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे जिस वजह से आप लोगों में ये सब हुआ, सो अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि एट ऑफ वैंड्स क्लियरली मुझे बताता है, मैसेज का इंतजार था आपको, मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैसेज, ईमेल, कॉल, कुछ भी, अब वो आपको कर सकते हैं आने वाले समय में ना, अभी कुछ महीनों में, 8 यानी कि अगस्त में ही मुझे लगता है कि आप लोगों का कांटेक्ट होने वाला है,
आपके पार्टनर आपके पास कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है, कॉल मैसेज करेंगे, हो सकता है आपसे मिलने भी आए, और आपके साथ उन्हें फैमिली चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्लियरली दिख रहा है आप लोग को, 10 ऑफ कप्स फैमिली, उन्हें फैमिली चाहिए आपके साथ। पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अब कमिटमेंट देंगे और सीधे शादी, फैमिली, फैमिली वाले नहीं मान रहे हो ना, सब सब चीज़ अब मान जाएंगे, सब क्लियर होगा, अब सब तैयार होंगे आप लोगों की शादी के लिए, या जो जिनकी शादी हो चुकी है वो भी देख रहे हैं ना, और आपके हस्बैंड जो हैं वो वापस चले गए थे कहीं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं, सो अब वो चीज़ें खत्म होने वाली है, अगस्त में आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपके हस्बैंड वापस आने वाले हैं, उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है, उनकी आंखें खुल जाएंगी, उसके बाद वो क्लियरली डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, उन्हें किसके पास जाना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड्स को देख लेते हैं और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट, अभी सोच रहे हो, डीपली थिंकिंग चल रही है उनकी, क्या करना है कैसे बाहर निकलना है, ठीक है ना, वैसी एनर्जी मुझे उनकी ये दिख रही है। तो चलिए मैं कार्ड्स को देख लेती हूँ, पहले द मैजिशियन के, द मून, द हर्मिट, ओके। तो मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने कहा, आप और आपके पार्टनर दोनों ही ईगो वाले हो सकते हैं, ठीक है ना, सो आपके पार्टनर भी ईगो वाले हैं और आप भी ईगो वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का भी कार्ड आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का भी कार्ड आया है, सो दोनों ही एंगल से मुझे इक्वल ईगो लग रहा है, और दोनों ही स्टेबल हैं अपनी अपनी लाइफ में। द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो अब वो मैनिफेस्टेशन काम करने वाली है आपकी, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, आपकी प्रार्थनाएं भगवान सुन रहे हैं, और आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा अगस्त में आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, बहुत लोगों के लिए होगा कि उनके पार्टनर अगस्त में कांटेक्ट करेंगे उनसे। द मून का कार्ड, बैलेंस दोनों में जरूरी है, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, ये कार्ड मुझे बता रहा है, सारे ही कार्ड्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव, सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, उसके बाद आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखेंगे हम, क्या मैसेज है एंजल्स। 3 निकाल लूँ, नहीं 2 ही रहने देती हूँ, सो किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स के, सो भगवान भी आपके साथ है, ठीक है, देखिए एंजल्स फेदर, देखिए ये सब हटाए ना, जैसा कि मैंने कहा जितनी नेगेटिविटी है ना वो सब दूर होने वाली है, वो सब हटने वाली है, आप बस विश्वास रखिए, पॉजिटिव सोचिए, आपका पार्टनर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस कॉलिंग एंड फॉर्म द यूनिकॉर्न्स टेल यू दे आर नियर यू, ठीक है, सो आपके वो नज़दीक है अब, सो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद है आर्कएंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना उन्हें सच का पता चल जाएगा, और यही यूनिवर्स भी आपसे बोल रही है कि आप बस विश्वास रखो कि आप सच का पता चल जाएगा उन्हें खुद, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से,
आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। सो चलिए देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे, चलिए उनको रखती हूँ मैं यहाँ और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हर समय वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए द हर्मिट का भी कार्ड आया था ना, द एम्परर का कार्ड, देखिए हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, सैड, अभी वो सैड हैं। देखिए ये वाला भी कार्ड आप लोग के सामने है, देख लीजिए, मैंने कहा भी ना बहुत दुखी हैं। देखिए मैसेज भी आया, सैड, सैड एनर्जी, काफ़ी सैड। ओके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये जो सॉन्ग है ना वो गुनगुनाते होंगे आपके लिए। वेरी सून, जैसा कि मैंने कहा आएंगे वो, कांटेक्ट करेंगे, सो वेरी सून, आई मिस यू। ओके, और है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये सॉन्ग जो है ना वो गुनगुनाते होंगे। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, ये सॉन्ग है। और आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफेयर्ड, तुझे कितना चाहने लगे हम सॉन्ग, इतने सारे सॉन्ग, बहुत लगता है कि वो गाना इनको ज़्यादा पसंद होगा। यू आर माई लेडी, माई क्वीन, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। ओके, और है आई रिमेम्बर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, जब आप लोग मिले होंगे ना सब उनको याद होगा कैसे क्या हुआ था। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो कैसे तुम्हें चाहूँ। सो ये सॉन्ग आपके लिए वो गुनगुनाते होंगे। सो ये रही पाइल टू की रीडिंग, जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया था, देखते हैं आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग गाइस। जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आता है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और आप मेरा दूसरा चैनल भी देखें, वहाँ विजिट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका, सो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं रीडिंग्स, मैं वहाँ पे भी अपडेट करती रहती हूँ रीडिंग्स, सो आप लोग वहाँ पे भी देखें, ठीक है। और जिस तरह इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वैसे ही उस चैनल को भी सपोर्ट करें। सो चलिए गाइस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर अब आपके पास आना चाहते हैं। आप आज का जो हमारा है ना टॉपिक, सो मैं पहले ही बता दूँ, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास और कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोग के बीच में जो बातें क्लियर नहीं हुई होंगी उनको वो क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, जो भी डाउट्स थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। सो चलिए हम कार्ड्स को देख लेते हैं पहले। ये सब शॉर्ट्स देखिए, मैंने कहा कि आने वाले हैं, आ गया कार्ड। फोर ऑफ कप्स,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओके, फोर ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और है सिक्स ऑफ कप्स। सो गाइस मैं पहले लगा लेती हूँ अच्छे से कार्ड्स को। इनको ऐसे लगाती हूँ मैं। देखिए आप जिन्होंने पाइल नंबर थ्री चूज किया है ना, मैं बता दूँ पहले आपके रिलेशनशिप में, पहले मैं आप लोग के साइंस बता देती हूँ उसके बाद मैं इसको क्लियर करूँगी, ठीक है। पाइल नंबर थ्री आपके पार्टनर का जो है ना साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद वाटर साइन, वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, एयर साइन में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और तो कोई मुझे यहाँ फायर साइन दिख ही नहीं रहा। इसमें से कोई आपके पार्टनर की साइन हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आपके पार्टनर की बताऊं एनर्जी ना, एनर्जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है आप लोगों को सिचुएशन में, जिन्होंने पाइल नंबर थ्री चूज किया है। थर्ड पार्टी आप लोगों में मुझे यहाँ दिख रही है, ये आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, उनका जॉब भी हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है। वो ना थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे बैलेंस करूं दोनों को। मुझे तो लगता है कि फैमिली ही इशू है यहाँ पे, तभी तो वो दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली को संभाले या आपको संभाले, दोनों में को दोनों के फैमिली में ना आप लोगों फैमिली की वजह से मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, फैमिली इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इस वजह से आप लोग की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है। और आपके पार्टनर ना काफी सैड भी हैं, सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं, क्या करूं, कैसे ठीक करूं, सब कैसे सही होगा। वो अकेले रह के ना वो ये सोचते भी होंगे। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आप लोगों में डिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है, आप दोनों अलग अलग रहते होंगे, वो कहीं के तो आप कहीं के, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और उसके बाद आपके पार्टनर काफी सैड, अकेले हैं अभी, सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे ठीक करना है, और भगवान से, अल्लाह से, रब से दुआएं मांग रहे हैं वो, कैसे भी करके ठीक कर दो भगवान, मैं अपने पार्टनर के पास चली जाऊं। ये एनर्जी जो है ना मुझे यहाँ दिख रही है, काफी सोचते हैं वो, प्रार्थनाएं करते हैं, अकेले में रहते हैं ना, काफी डीपली थिंकिंग करते हैं वो आपके बारे में, काफी डीप थिंक, गहराई से सोचते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे ठीक करना है। और मुझे यहाँ पे ना उनका थोड़ा सा ईगो वाला भी दिख रहा है कि मैंने बहुत कर दिया, उसके तरफ से कुछ एक्शन नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कर दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। इस टाइप की भी एनर्जी उनकी मुझे यहाँ दिख रही है, इसलिए वो बैठे हैं, स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन इस ईगो में बैठे हैं कि नहीं अभी नहीं, मैंने बहुत कर दिया है, उसने कुछ नहीं किया, मैंने ज्यादा किया है इस रिलेशनशिप को सही करने में, उस टाइप की इनकी एनर्जी जो है ना, इनकी फीलिंग मुझे आ रही है।
लेकिन अगले इसके बाद ना वो स्टेप लेंगे आपके लिए, वो वापस आएंगे आपके पास, इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आएंगे। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ना, कितना भी ये करने लेना उनके लिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। उनकी फैमिली या कोई और पर्सन होगा ना, सो इनका उसके साथ नहीं बनने वाला है। आपके लिए, आपके पास वो आना चाहते हैं, एकदम एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके लिए, ठीक है। सो एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके पार्टनर, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स साफ मुझे क्लियरली बता रहा है आपके पार्टनर काफ़ी डीपली कनेक्ट हैं आपसे, काफ़ी दोनों में ना, दोनों में ही इक्वल है, दोनों को एक दूसरे की याद आती है, लेकिन एक्शन अभी कोई नहीं लेना चाहता। आपको इंतजार है उनका और उनको इंतजार है आपका। सो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्शन लेंगे आपके पार्टनर जल्दी, 1 मंथ, 1 1 टू 2 मंथ्स मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके पास आने के लिए, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहा है, तो देख लेते हैं इन कार्ड से भी। बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन, जैसा कि मैंने कहा ना कि अभी उन्होंने बस ठान के रखा है कि नहीं अभी नहीं, अभी एक्शन नहीं लूंगा। सो अभी वो सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे लेकिन अभी वो सोच रहे हैं, अभी एक्शन एकदम उन्हें लग रहा है कि नहीं मैंने कर दिया, अब उसने नहीं किया, अब उसकी बारी है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, कॉम्पिटिशन ऐसे। चलिए मैं इन कार्ड्स को भी, द लवर्स, ओके, टेम्परेंस और द फूल। मैंने कहा ना उन्होंने भगवान पे सब छोड़ रखा है, सोच रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, आपकी तरफ से भी मुझे यही दिख रहा है। द फूल, सब भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने, भगवान जल्दी ठीक कर दो, प्लीज 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 जल्दी ठीक कर दो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। भगवान भरोसे हैं कि अब तो तुम ही हो जो करता धरता हो ना, तुम ही हो, तुम्हें जो करना है करो, आप ही को सब ठीक करना है, सब उन्होंने छोड़ रखा है। उसके बाद देखिए द लवर्स का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड, दोनों ही बता रहे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट, दोनों में कनेक्शन है। मैंने कार्ड्स देख करके बताया ना कि आप लोग दोनों में ही इक्वल है, दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, दोनों में इक्वल है फीलिंग्स। सो ये दोनों ही कार्ड मुझे एकदम क्लियरली बता रहे हैं, द लवर्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आपकी तरफ, आप लोग दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोगों का है ना, आपके पार्टनर तो अभी बैठे हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं नहीं, और आपके भी मुझे कुछ ऐसा ही एनर्जी दिखाई दे रही है। खैर कोई नहीं, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, उनसे कितना दिन बर्दाश्त होगा। टेम्परेंस और द लवर्स का कार्ड, द फूल का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया है, आप लोगों के पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। आज तीनों ही पाल्स की रीडिंग बहुत ही बहुत पॉजिटिव निकल के आई है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, सॉरी आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे हम। ये 1 2 के, उसके बाद फेदर, फेदर का कार्ड ये मुझे बता रहा, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर, अब आपके नज़दीक है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आपको जिसका इंतज़ार है ना, वो आपको मिलने वाला है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।
होप, एक आशा है ना आप लोगों को, अफर्मेशन, एस्पिरेशन, सॉरी एस्पिरेशन. सो लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू. उस चीज को देखिए जो आपको, जो आपका वेट कर रहा है. खुद पे फोकस कीजिए, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है. होप रखिए कि हाँ सब सही होगा, सब सही होगा. निगेटिविटी को दूर हटाइए खुद से. एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स. देख लीजिए कितना, मतलब इतना अच्छा कार्ड आ रहा है ना कि क्या बताऊँ मैं. सो देखते हैं आपके पार्टनर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको. लास्ट हम देख लेते हैं ये मैसेजेस, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो ये इतने रहने दूँ, दो चार और ले लूँ. चलो ले लेती हूँ. चलो आ गया. चलो पहला मैसेज देख लेती हूँ. प्यार मांगा है तुम्हें से सॉन्ग, ओके. उसके बाद है आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे. सब सही कर लेंगे वो एक दिन. देख लीजिए कितना, मतलब देख लीजिए आप कार्ड्स जो है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना रेजोनेट कर रही है. देख लीजिए ये सब चीज़ें ना वो एक दिन सही कर लेंगे, वो आप कहना चाहते हैं. उसके बाद है माय हार्ट इज ओपन एंड फिल्ड विथ लव. उसके बाद है मैसेज मी, मैसेज कीजिए उनको आई लव यू अनकंडीशनली, ओके. आई लव योर लव, आपकी हंसी उन्हें बहुत पसंद है. योर लव इज ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट. ओ वाव. विशिंग यू वेयर हेयर विथ मी राइट नाउ. इसके बाद है एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटिफुल बट आवर्स इज माई फेवरेट. आप दोनों की जो है ना फेवरेट है उनकी स्टोरी. लग जा गले जो है ना सॉन्ग, वो आपको वो गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे. लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो. सो ये सॉन्ग वो गाते होंगे आपके लिए. सो अगला मैसेज है मेरा दिल भी कितना पागल है. और उसके बाद है तुम दिल की धड़कन में रहती हो रहते हो, ये सॉन्ग. और आई मिस यू. सो ये रहे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस. सो गाइस जिनके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.